मुस्कान सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। पूरे हरियाणा के अंदर अराजकता फैल गई है, हर जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए हरियाणा के हिसार के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज सुबह ही ये सभी के सभी छात्र जिन्हें अग्निवीर का नाम दिया जा रहा है, ये सभी अग्निवीर आज हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर इकट्ठा होकर के दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं और जंतर मंतर के ऊपर धरना दिया जाएगा। फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं हिसार से, जहां पर आगे आगे जो है पुलिस की गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है, तो वही पीछे की तरफ जो है पुलिस यहाँ पर जो है आगे आगे की एक बार तस्वीरें दिखाई है, देखिए आगे आगे जो है स्कूटी के ऊपर और एक गाड़ी जो है पुलिस की चलते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ये बताइए आज कहाँ की तरफ आप लोग मार्च कर रहे हैं? हम मैडम पैदल दिल्ली मार्च कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं आज हम पैदल। अच्छा ये बताइए आज दिल्ली कूच आप लोग कर रहे हैं और वहाँ जा करके क्या करेंगे? वहाँ जा करके हम शांतिपूर्ण धरना देंगे मैडम। अगर दिल्ली के अंदर एंट्री होने दी तो जंतर मंतर या फिर पीएम मोदी के घर के बाहर। वापस लो। क्या लग रहा है आप लोगों को कि दिल्ली के अंदर आप लोगों को घुसने दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो आप कदे घुसाए जी, कौन रोकनी हमाम ना है, रोका हमारे हकदार हमाम बेमाम घुसाए। अच्छा अगर बात की जाए पुलिस की, तो आपको बता देते हैं कि लगभग जो है 1500 बच्चों के ऊपर केस दर्ज कर लिए गए हैं, 100 की गिरफ्तारी कल हो चुकी है। अगर आज आप लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाए। मैडम 1500 को नहीं, दशहरे बड़ा कहीं गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन मामे नहीं डटांगे, मामे हमारा खतर लड़ांगे। हाँ। दिल्ली जाएगा रुकांगे दिल्ली जाएगा रुकाए। अच्छा जाएंगे कैसे, अभी पैदल आप लोग जा रहे हैं, क्या दिल्ली तक पैदल ही जाएंगे? बिल्कुल मैडम, दिल्ली तक पैदल जाएंगे। और आप जो बात कर रहे हो कि केस हो रहे हैं, तो हमारे जो भी युवा साथी हैं जो इससे परेशान है, उनमें से किसी ने भी उग्र नहीं मचाया है। जो भी उग्र मचाया है वो बीजेपी की सरकार के ही बंदे हैं और उन्होंने उग्र मचाया, और बीजेपी की सरकार खुद के बंदों पे केस वगैरह करके उग्र मचवा के, और हमें इस जो हम मुहिम चला रहे हैं उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी सरकार बात कर रही है कि और कंट्री में जो भी मतलब सेना की है वो 3 या 4 साल के लिए होती है, तो मैं इनको पहले यह बता देना चाहता हूँ कि उन देशों में चुनाव भी 2 साल में से होते हैं, और एक बार जो बंदा चुनाव लड़ लिया वो दोबारा या उसके खानदान में से कोई दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, तो पहले वो करना चाहिए था। पहले आप लगातार नारे लगा रहे हैं कि तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी, लेकिन आपकी आंखों के सामने देखते देखते 100 बच्चों की गिरफ्तारी कर ली गई है, 1500 के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, और सरकार कह रही है कि अगर आप लोगों ने भर्ती की तैयारी नहीं की तो आगे जाकर के आप लोगों को भर्तियां मिलेंगी नहीं, क्यों तो ये सारी की सारी चीजें छोड़ करके आप भर्ती की तैयारी कीजिए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आप लोगों को भर्ती की तैयारी करनी चाहिए? मैडम जी, मैंने 2019-20-21 की भर्तियाँ क्लियर कर की है, मेरी ज्वाइनिंग रद्द कर दी है, और मेरे मैं ओवरेज हो रहा हूँ, मेरे पास आगे बचा क्या है? हम शांति प्रिय दिल्ली जा रहे हैं, ना कि अपना शांति से प्रदर्शन करें, धरना देंगे, ना कि हम उग्र हिंसा करेंगे। कल हमने हिसार में भी प्रदर्शन किया था, बिल्कुल शांति प्रिय हुआ, ना ही गिरफ्तारी हुई, पुलिस विभाग ने हमारा साथ दिया और हम भी उनके साथ मिल के चल रहे हैं। पानीपत की बात करूं तो आगजनी की बहुत सारी घटनाएं आ रही है, बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियां तक फूंक दी गई है, और इसके अलावा जो है एक घर के अंदर जा करके एक परिवार को बंधक तक बनाए रखा, आज लीड स्टोरी अखबार के अंदर छपी है। तो क्या कहना है आप लोगों के बीच के अंदर उपद्रवी अपना मतलब निकाल रहे हैं? मैडम जी, हम कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और हम है हिंसा पर चलने वाले बंदे हैं, और हम आराम से दिल्ली जाएंगे और हम अपनी आवाज रखेंगे और वहाँ पर धरना देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सरकार कह रही है कि अगर आप लोगों को सेना के अंदर भर्ती होना है तो आप लोगों को साफ छवि का होना जरूरी है, अगर केस आप लोगों के ऊपर हो जाता है तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं देगा। तो क्या डर नहीं है कि केस हो जाएगा आपके ऊपर? हमारी मजबूरी जिया, हम खिंच हमारा 5 साल तो मेहनत करी, इमाम रोड़ा छोड़ दिया, हम जाओ जी रास्ता की मार, तो बताओ 3 साल की जो एनसीसी होगी, 4 साल की पहुंच करती थी, कि जाओ जी बताओ हमें। लगभग कितने साल हो गए हैं मेहनत करते हुए? 4-5 साल हो गए जी। अब अगर बात की जाए महावीर स्टेडियम की, तो लगभग कितने बच्चे आज महावीर स्टेडियम के अंदर इकट्ठे हुए? आज जी अभी तो 100 से कुछ 150 बालक है, अभी और आगे 7-8 में मिलेंगे और आगे हमारा बढ़ते चलेगा मैडम। अच्छा
आगे जैसे जैसे हिसार से निकलते जाएंगे वैसे वैसे जो रास्ते के अंदर छात्र मिलते जाएंगे उनको साथ लेते हुए निकलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आप सीधी लाइव तस्वीरें हिसार से देख पा रहे हैं जहाँ पर छात्र जो है सीधा आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देख लीजिए आपको बता देते हैं कि अभी जो है खाने का इंतजाम भी बीच बीच के अंदर किया जा रहा है। मुझे ये बताइए आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे या फिर इनके साथ? मैं इन बच्चों के साथ हूँ। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है, मैं इन बच्चों के साथ हूँ। ये बताइए सरकार इनको आपको लग रहा है कि दिल्ली के अंदर घुसने देगी? नहीं नहीं क्यों नहीं, युद्ध है, युद्ध कुछ भी कर सकता है। लेकिन सरकार ने कल गिरफ्तारियां कर ली है बच्चों की, 100 से ज्यादा बच्चों की गिरफ्तारी हो गई है, तो आपको लग रहा है इनको कहीं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिया जाए? बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उसके अंदर गिरफ्तारियां गए, जेलों के अंदर भी गए हैं, फिर कहीं ना कहीं सरकार की अगर गलत नीतियों में विरोध नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारे पे जानबूझ के थोपेंगे। थैंक यू। तो आप लोगों को बता देती हूँ आगे की तरफ जो है छात्र बढ़ चुके हैं और अभी हिसार के महावीर स्टेडियम से ये सभी छात्र इकट्ठा होकर के गए। एक बार तस्वीरों के अंदर जो है आगे दिखा दीजिए, क्योंकि छात्र और पुलिस आप लोग देख सकते हैं पल-पल की अपडेट जो है एक पुलिस इंचार्ज दूसरे पुलिस इंचार्ज को देता हुआ नजर आ रहा है। 3 जिलों में इंटरनेट सेवा यानी कि गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद में बंद कर दी गई है। तो वहीं जींद के अंदर धारा 144 लगा दी गई है और हरियाणा के रेवाड़ी, जींद, नारनौल, बल्लभगढ़ में पुलिस वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं, जिसके अंदर 100 से ज्यादा बच्चों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध के अंदर आज उत्तर से दक्षिण तक भारत जो है के अंदर विरोध दिखाई दे रहा है। और अब देखने वाली बात यह कि हरियाणा, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान के बाद तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली समेत 13 राज्यों में ये आग झुलसने वाली है। इन राज्यों के 40 से अधिक शहरों में उपद्रव होने वाला है और हरियाणा के 4 जिलों के अंदर जैसे ही आपको अभी बताया है कि जो है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, जहां जहां उपद्रव बढ़ता जा रहा है। यार एक बार जो है आपको ये भी बता देती हूँ कि तेलंगाना के बाजार के बीचों बीच जो है बहुत सारी घटनाएं सामने आई, जिससे काफी सारे लोग सहम गए हैं। माताएं जो अपने बच्चों को लेकर के जा रही हैं सड़क से, वो सहम गई हैं। लगता है कि हरियाणा जो है अब पूरा का पूरा आग का गोला बन चुका है और इसको आग के गोले बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने समय से जो युवाओं के अंदर सब कुछ दबा पड़ा था, कभी सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, निकलती है तो पेपर नहीं लिए जाते, पेपर लिए जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, पेपर लीक हो जाते हैं, इसी का विरोध जो है आज पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। और सरकार ने इसी को लेकर के एक और जुमला फैला दिया है। जी हाँ, आज दोबारा से जो है कुछ भर्तियां निकाल दी सरकार ने और ये ग्रुप सी की भर्तियां निकाली है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये युवा अग्निपथ को छोड़ करके ग्रुप सी की तरफ चले जाए और ये विरोध जो है यहीं रुक जाए। लेकिन ये विरोध साहब अब थमने वाला नहीं है। दिल्ली एक बार दोबारा से तैयार हो चुकी है किसान आंदोलन के बाद एक और आंदोलन को झेलने के लिए और जंतर मंतर के ऊपर सभी छात्र आज निकल पड़े हैं और मेरे ख्याल से शाम तक ये सभी बच्चे दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो होगा वो आप लोगों की आंखों के सामने होगा, जिम्मेदार इसकी सिर्फ सरकार होगी। खैर जो भी आगे की अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। तब तक आपके शहर का अग्निपथ को लेकर के क्या है हाल और युवाओं के अंदर कितना है विरोध, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर फोटो या वीडियो भेज करके हमें बताएं, हम हमारे चैनल के ऊपर जरूर पोस्ट करेंगे। नमस्कार।